हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 10, कामचोर, जिसके लेखिका हैं इस्मत चुगताई। यह कहानी कामचोर अर्थात आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं, उन्हें खेलने कूदने मस्ती करने में ही आनंद आता है। और इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश अर्थात काम करने का सही तरीका उन्हें न बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते। अर्थात बच्चों को उन्हें काम करने का तरीका सिखाना बहुत ज़रूरी है। काम सही तरीके से न होने से क्या क्या परेशानियां घर वालों को होती हैं, इस पाठ में बताया गया है। और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है कि क्या क्या होता है जब उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन की। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। यानी जो लेखिका के घर वाले थे, उन्होंने ये तय किया कि अब नौकरों को काम से निकाल दिया जाना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। ये सेंटेंस बच्चों के लिए आया है कि जो घर में बच्चे हैं वो किस काम के हैं, क्योंकि इनसे कोई भी काम नहीं होता। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहेंगे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते। अब बच्चे सोचते हैं कि जब बड़े कह रहे हैं तो उन्हें भी ख्याल आया कि वो काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। लेखिका कह रही है कि जब हमें ये कहा गया कि तुम काम क्यों नहीं करते, तो हम सब ने अपना अपना काम करना शुरू किया और हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। और हम किसी के दबैल तो थे ही नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। यानी अगर थोड़ा सा धक्का दिया तो कोई सहन नहीं कर सकता। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यानी घमासान युद्ध छिड़ गया था। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। अब अम्मा ने ये फरमान जारी कर दिया था कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा, और बिल्कुल ये शाही फरमान ही जारी हो रहा था। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। किसने? बच्चों ने। यानी बच्चों को जब ये कहा गया कि तुम्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो सब बच्चे काम करने को तैयार हो गए। और बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। अब बच्चों को बहुत से काम गिनाए गए, मिसाल के लिए, यानी उदाहरण के लिए, कि यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। इसी तरह से कुछ काम अब्बा मियाँ ने भी बताए, और दूसरे कामों का हवाला भी दिया कि मालिक को तनख्वाह मिलती है, तुम्हें भी मिलेगी, और अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। और इसी बीच अम्मा ने उन्हें रोक दिया कि खुदा के लिए नहीं तो घर में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि जब सब बच्चे एक साथ पानी पीने जा रहे थे तब भी उन्होंने वहाँ पर घमासान युद्ध छेड़ दिया था, तो अम्मा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शे दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। बच्चे दरी के चारों कोने पकड़कर बच्चों ने उन्हें उसे झटकाना शुरू किया, और दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। किसकी? दरी की। यानी दरी पर जोर जोर से मारने लगे ताकि सारी धूल जो है वो दरी से हट जाए। लेकिन हुआ क्या, ये सारा घर धूल से हट गया और खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, अब सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। अब बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को कहाँ भेज दिया, आंगन में भेज दिया। और यहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब वहाँ बच्चे क्या करने लगे, झाड़ू देने लगे। अब झाड़ू तो एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसीलिए थोड़ी ही देर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, और जितनी सींखें जिसके हाथ पड़े वह उतने ही
उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, यानी झाड़ू का जो हिस्सा उसके हाथ लगा उस हिस्से से ही वो झाड़ू लगाने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। अब बच्चे कह रहे हैं कि भाई ये बुज़ुर्ग तो काम करने दे तो कोई इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर ही टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब बच्चों के मन में ख्याल आता है कि झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, और फिर क्या था, ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही दरी धूल से अटी हुई थी और पानी पड़ते ही सारी धूल क्या बन गई, कीचड़। अब सब आंगन से भी निकाले गए, तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब सब बच्चों ने तय किया कि अब पेड़ों को पानी दिया जाए। तो क्या थे, सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई, यानी बच्चों के जो हाथ लगा वो चीज़ उन्होंने उठा ली, और जिन्हें ये चीज़ें न मिली वो कटोरे और गिलास ही लेकर भाग लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान बची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अगर वो बच्चे आराम से कोई काम करते तो सब अपने हिस्से का पानी पेड़ पौधों को दे सकते थे, लेकिन उनमें क्या था कि घमासान युद्ध मचा हुआ था कि हाँ हम तनख्वाह लेंगे या हम इनाम पाएंगे, तो इस चक्कर में किसी एक के बर्तन में भी एक बूंद पानी नहीं मिला। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। यानी पहले तो सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देने लगे और फिर कोहनियाँ मारने लगे और उसके बाद एक दूसरे पे बर्तन ही फेंकने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं, दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई, फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। यानी अब जिनके बच्चे थे उन्हें भेजा गया कि भाइयों, बहनों, मामुओं और मौसियों, फूफियों को भेजा गया ताकि वो अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाएं। लेकिन अब क्या था, बच्चे तो हाथ नहीं लगे, वो अपने हथियार फेंक कर वहाँ से भाग लिए। और इसी धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। यानी इतने बच्चे थे कि अगर जो नौकर उस समय थे वो उन बच्चों के लिए काफ़ी नहीं थे, तो पास के बंगलों से नौकर आए और चार आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। जिन्होंने बच्चों को नहलाया था उन्हें हर एक नौकर को चार आने दिए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। तो अब बच्चे कहाँ चले, मुर्गियों को बंद करने चले। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगी, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ये बात कौन कह रही है, लेखिका बता रही है हमें कि मुर्गियाँ भी हमारे हाथ में नहीं आई, उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। यानी कुछ जो दो मुर्गियाँ थी वो खीर के प्यालों में से होकर निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी की कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। तूफान गुजरने का मतलब क्या है, यानी जब सारी मुर्गियाँ इधर उधर हो गई थी, घर से बाहर निकल गई थी, तो पता लगा कि जो खीर के प्याले थे वो तो कहाँ, दुपट्टे और धुले हुए सर के ऊपर लगी हुई है सारी खीर। और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान जिसमें पान रखते हैं में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी सबके सर, दुपट्टे और चादर वगैरह सब गंदे हो चुके थे। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुँह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी, और इधर सारी मुर्गियां बेनकिल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। यानी मुर्गियां जो थी वो घर में चारों तरफ क्या रही दौड़ रही थी और एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। यानी जो मुर्गी घर था उसमें जाने को तैयार नहीं थी। और इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। तो फिर क्या था, दिन भर की भूखी भेड़ों,
भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तक तो पर चढ़ गई थी, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। अब क्या था, जो तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, यानी वो दुपट्टा उन्होंने कढ़ाई करने के लिए रखा हुआ था और वो मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, तो भीड़े बहुत निसंकोच सबको रौनती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई, यानी पूरे घर में गंदगी फैलाकर निकल ली। और जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो, यानी जब सारी भीड़े बाहर चली गई तब लगा जैसे यहाँ पे किसी सेना ने छापा मारा हो। और जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भीड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई, यानी जो भीड़ों जो सूप था वो जहाँ जहाँ से निकलता गया वहाँ वहाँ से वो जो भीड़ें थी वो उसकी सुगंध लेती हुई हमला करती गई। और हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढांके सो रही थी, उन पर भीड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी, यानी जब उनके ऊपर से भीड़ें निकली तो वो शायद कोई ऐसा सपना देख रही हो और सपने में ही वो चीखने लगी कि मारो मारो। इतने में भीड़े सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी और वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई, यानी भीड़ों के आगे होली। आपने कभी भीड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हों। भीड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भीड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में डाल दी, यानी अब वे तरकारी वाले की सारी तरकारियों को खा चुकी थी। इधर यह प्रलय मची थी और उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना नहीं मिलने की धमकी मिल चुकी थी और वे चार भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। अब उन्होंने क्या किया, अब वो भैंसों का दूध निकालने के लिए तैयार हुए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई, क्योंकि भैंस को पसंद नहीं आया बच्चों को कौन सा दूध धोना आता है। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे बच्चे मिलकर और चाहे वो बाल्टी धुली हो चाहे नहीं धुली हो, वो सब मिलकर भैंस का दूध निकालने के लिए तैयार हुए। लेकिन भैंस ने बाल्टी को लात मार दी और दूर जाकर खड़ी हो गई। अब तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध धो लिया जाए, यानी भैंस की दोनों टांगों को पीछे और आगे टांगों को बांध दिया जाए और फिर उसका दूध दुहा जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। जिस चारपाई पर चाचा जी सो रहे थे उस चारपाई के पायों से भैंस के पिछले पैरों को बांध दिया गया था और आगे दोनों पैरों को बांधने की तैयारी चल रही थी कि इतने में ही भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले तो चाचा जी को लगा कि शायद वे कोई सपना देख रहे हैं, और फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि कोई आंधी तूफान आ गया है और साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वे पलंग की दोनों पटियाँ दोनों साइड पकड़कर बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे, यानी बच्चों को जिन्होंने खुला छोड़ दिया था जिन घर वालों ने उन्हें वो बुरा भला कहने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। आप लोग भी सोच कर देखो कि ऐसा नज़ारा अगर आपके सामने आए तो आपको भी कितना मज़ा आएगा। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया और तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर
भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, यानी भैंस रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो चपाक से गोबर में जा गिरी थी, अब क्या था उनके पास, गिलास और कटोरे। और बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के तीन चौथाई में हो गया, यानी इन सब को होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, यानी दूध किसी के हिस्से में नहीं आया। हाँ, दूध के छींटे जरूर गिलास कटोरों पर पड़ गए। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाते तरकारी वाले के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगे। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। अब अम्मा ने चुनौती दे दी थी कि या तो बच्चे ये या तो इन बच्चों का राज रहेगा या फिर मैं रहूँगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अब अब्बा ने अपना फरमान सुनाया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी कि जिन बच्चों को पहले ये कहा गया था कि तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा अगर तुम लोग काम नहीं करोगे, उन्हीं को बाद में अब्बा ने ये कहा कि अगर किसी ने हाथ लगाया कि घर की किसी चीज़ को, तो रात का खाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने काम ही ऐसे किए थे। हालांकि बच्चों की गलती नहीं थी, क्योंकि जब उन्हें काम करने का सही तरीका बताया ही नहीं गया तो वे कैसे करेंगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम बच्चों को कोई काम कहें तो उससे पहले उन बच्चों को उस काम को करने का सही तरीका बताना चाहिए, तभी वो बच्चे किसी काम को ढंग से कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।